जानवी ने बताई माँ की बायोपिक ना करने की वजह, श्रीदेवी के साथ हुए दुर्व्यवहार का किस्सा सुनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। नेटफ्लिक्स की माधुरी दीक्षित स्टार वेब सीरीज द फेम गेम में एक अभिनेत्री के अपने बच्चों और पति के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते के बीच हिंदी सिनेमा में अपनी स्थिति को लेकर संघर्ष की कहानी जब से सामने आई है, लोग इसके धागे अभिनेत्री श्रीदेवी के निजी जीवन से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। श्रीदेवी की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिशों में भी कई फिल्म निर्माता उनके आकस्मिक निधन के बाद से लगे रहे हैं और उनकी बेटी जानवी से भी लोग अक्सर उनकी मां की बायोपिक पर सवाल करते रहते हैं। अब जाकर जानवी ने पहली बार इन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वह कहती है, मां की याद आते ही मुझे रोना आ जाता है और मैं उनकी बायोपिक नहीं कर पाऊंगी। जानवी कपूर ने इसके अलावा अपनी माँ श्रीदेवी के हुए एक घटने का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता बोनी कपूर हमेशा अपने परिवार को लेकर बहुत सजग रहे हैं और एक बार तो वे माँ की मदद करने मुंबई से इटली तक चले गए। हुआ यूँ था कि श्रीदेवी अपने चेन्नई वाले घर के लिए फर्नीचर खरीदने इटली में थी। वहाँ एक स्थानीय युवक श्रीदेवी पर किन्हीं वजहों से हमलावर हो गया। श्रीदेवी अपने एक दोस्त के साथ वहाँ गई थी और इस घटना के बाद वह इतना परेशान हो गई कि उन्होंने सीधा बोनी कपूर को फोन कर दिया। बोनी कपूर को ये पूरा मामला सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत पूरे मामले को समझने और श्रीदेवी की मदद के लिए इटली चले गए। जानवी कपूर अक्सर अपनी माँ से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि वह अपनी माँ की बायोपिक में काम करना चाहेंगी तो अभिनेत्री ने कहा था कि वह अपनी माँ की बायोपिक में नहीं काम कर सकेंगी क्योंकि माँ की याद आने के बाद आते ही वह रो देती हैं। जानवी कपूर इन दिनों अभिनेता राजकुमार राव के साथ फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में काम कर रही हैं। इसके अलावा अभिनेता वरुण धवन के साथ उनकी एक फिल्म बवाल भी बन रही है। तो आपका इस पर क्या विचार है, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज। धन्यवाद।